यीशु पकड़वाया जा। हर साल यहूदी लोग फसह रा साजा मनाए थे। ये साजा इदी कठे मनाया जा था कि कई हजार साल पहले परमेश्वर तिनारे स्याणे मिस्र देशा री गुलामी ले छुड़ाए थे। लगभग 3 साल ले बाद यीशु खुली कने सभा रे सामने प्रचार करना होर उपदेश देना शुरू कित्या। यीशु अपने चेलिया जो दस्या कि से तिना सौगी यरूशलेम सहरा मंज फसह रा साजा मनाना चाह और ये भी दस्या कि से तेथी मारी दित्या जाना। यीशु रे चेले मंज एक यहूदा नावा रा एक माणू था। यहूदा प्रेरिता रे डब्या रिथैली संभालने वाला माणू था, पर हमेशा से तेसा थैली मंजा ले ढब्बे काढ़ी लिया था। यीशु होर चेले रे यरूशलेम सहरा मंज पुजने ले बाद यहूदा यहूदी धर्मा रे गुरुआ वाले गया। तिने ढब्बे रे बदले मंज यीशु जो तिनारे हाथ पकड़वाने री गल कीती। से जाना था कि यहूदी अगुए नहीं मनदे कि यीशु ही मसीह था। ये जाना था कि स्योतेश जो मारी देना चाहे थे। महायाजका रे बोलने पर यहूदी अगुए यीशु जो तिनारे हाथा मंज पकड़वाने रे कठे यहूदा जो 30 चांदी रे सिक्के दीते। ये ठीक तिया ही हुआ जिया कि नबीए बोली रहा था। यहूदा मनी गया होर डबे लेई कने चली गया। से यीशु जो गिरफ्तार करने मंज तिनारी मदद करने रे कठे किसी मौके रा इंतजार करया करा था। यरूशलेमा मंज यीशु अपने चेले सौगी फसह रा साजा मनाया। फसह रे खाने रे बीच यीशुए रोटी लई कने तोड़ी। तिने बोलिया इता जो लवा होर खावा, ये मेरा शरीर आ जो हाँ तुसारे कठे देया। इता जो मेरी यादा मंज करया। इस तरीके ले यीशुए बोलिया कि तिस तिनारे कठे मरी जाना, यानी तिनारे कठे तिस अपना शरीर बलि चढ़ाई देना। फिर यीशुए एक दाखरसा रा प्याला लया होर बोलिया इता जो पी लिया, ये नोई वाचा रा मेरा खून आ जो कि मैं दलना, यानी कि परमेश्वर तुसारे पाप माफ करने। हर बार इता जो पींदे टाइम मेरी यादा मंज एड़ा करया जो हाँ एबे करया करा। तेबे यीशुए अपने चेले कने बोलिया तुसा मंजा ले एक आदमिया हाँ पकड़वाना। चेले हैरान हुई गए होर पूछदे लगे कि किस एड़ा काम करना। यीशुए बोलिया मेरा पकड़ाने वाला माणू से आ जिस जो मैं रोटी रगरा देना। तेबे तिने से रोटी यहूदा जो दीती। तेसा रोटी जो लेने ले बाद यहूदा मंज शैतान समाई गया। यहूदा निकली कने यीशु जो गिरफ्तार करवाने रे कठे यहूदी धर्म गुरु री मदद करने रे कठे चली गया। ये रात का टाइम था। खाना खाने ले बाद यीशु होर तीसरे चेले जैतून पहाड़ा जो चली गए। यीशुए बोलिया तुसे सबिया आज राती हाँ छाड़ी देना। ये लिखिरा माँ पुहाल मारना होर सारी भेड़ा ओरे परे बिखरी जानी। पत्रसे जवाब दित्या भले ही बाकी सब तुझो छाड़ी दे, पर माँ तुसे नहीं छाड़ने। तेबे यीशुए पत्रसा कने बोलिया शैतान तुसा सभी जो लई लेना चाह, पर हे पत्रस मैं तेरे कठे प्रार्थना कीतरी ताकि तू विश्वासा ले भटकी नहीं जाए। फेरी भी आज राती कुकड़ा री बांग देने ले पहले तुद 3 बारी ना करनी कि तू मुंजो नहीं जानदा। पत्रसे तेबे यीशु कने बोलिया चाहे हाँ मरी भी जाऊं मां कदी भी तुसारे री ना नहीं करनी। बाकी से सब चेले भी एड़ा ही बोलिया। तेबे यीशु अपने चेले सौगी गतसेमनी नावा री जगह पर गया। यीशु अपने चेले कने प्रार्थना करने रे कठे बोलिया ताकि शैतान तिनारी परखनी नहीं करे। तेबे यीशु आपुए प्रार्थना करने रे कठे चली गया। यीशु 3 बारी प्रार्थना कीती हे मेरे बापू परमेश्वर
अगर हुई सके ता दया करी कने ये दुखा रा प्याला पीने रे कठे मुझे मत दे। पर अगर लोका रे पाप माफ किते जाने रे कठे कोई होर पेंडा नहीं आ ता तेरी ये इच्छा पूरी हुई जाए। यीशु बहुत परेशान था, होर तीसरा पसीना खुन्नर रे टेपे साई पया करा था। तिस जो सामर्थ देने रे कठे परमेश्वरे एक स्वर्गदूत भेजा। हर बार प्रार्थना ले बाद यीशु अपने चेले वाले वापस आया, पर स्यों सही गए रहे थे। जब यीशु त्रीजी बारी वापस आया ता यीशु बोलिया, जागी जावा, मेरा पकड़ाने वाला इथी पुजी गईरा। यहूदी धर्मरे गुरु सिपाही होर एक बड़ी भीड़ा सौगी यहूदा तेथी आया, तिने तलवारिया होर डंडे लेंदरे थे। यहूदे यीशु वाले आई कने तेस कने बोलिया, हे गुरु जी नमस्कार। होर तिने से गले लगाई कने चुमी लाया। तिने एड़ा इदी कठे कित्या ताकि से यहूदी धर्मरे गुरुआ जो दसी सके कि गिरफ्तार किते जाने वाला मानो कुणा। तेबे यीशुए बोलिया, हे यहूदा, क्या तू एक चुंबन लई कने मुझो पकड़वाया करा। जेबे स्यों सिपाही यीशु जो पकड़ाया कराए थे ता पतरसे अपनी तलवार काढ़ी होर महायाजका रे एक सेवादारा रा कान काटी दित्या। यीशुए बोलिया, तलवार दूर हटाई दे, हाऊं अपने बापू परमेश्वरा ले अपना बचाव करने रे कठे स्वर्गदूता री एक सेना रे कठे अर्जी करी सका, पर मुझे मेरे बापू री गल्ला मननी जरूरी। तेबे यीशुए तिस मानू रा एक कान ठीक करी दित्या, तेबे सारे चेले भगी गए। मती 26 रा 14 ले 56, मरकुस 14 रा 10 ले 50, लूका 22 रा 1 ले 53, यहूना 12 रा 6, 18 रा 1 ले 11 ले एक बाइबलारी कहानी।